प्रधानमंत्री चुन लिया। अजीबोगरीब बात करता है, चिता जला दे अपनी अपने परिवार की, रोटी देने वाला नहीं है कोई माँ बाप को। हर उसे एक युवा के आंखों के आंसू से पूछिए जो आज अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देख रहा है और उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आज 25-26 साल का बालक जो 4 साल से तैयारी कर रहा है बाप के पैसे पे, आज जब वो उनको बूढ़ा होता हुआ देख रहा है तो उसकी आंखों में आंसू के सिवाय कुछ नहीं है। क्या उसकी तमन्ना नहीं थी कि वो अपने माँ बाप को कुछ सुख सुविधा दे सके? बताइए, मोदी जी आपसे पूछता है, युवा पूछता है, भारत नहीं पूछ रहा है। अर्नर नहीं हूं मैं, इनकी फैमिली नहीं है, इनका परिवार नहीं है, बट हार नहीं मानेंगे। मोदी जी, ये देश आपका है तो ये हमारा भी है, हमने भी इस मिट्टी में जन्म लिया है, हम भी इस मिट्टी से प्यार करते हैं, हमारे अंदर भी देशभक्ति है, हम भी आपके उन फैसलों का समर्थन करते हैं जो आपने ठीक किए, बट जहां आप गलत है तो बोलेगी प्रजा। देख लीजिए क्या कहा था, चाहे अब्दुल कलाम साहब हो, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं है, अगर मैं गलत हूं तो कलाम साहब भी गलत थे और इनको गलत कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तो रुकने वाले हम भी नहीं है। इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अरे करो, लिमिट में करो, 10% 15% करो, तुम्हारे भी भतीजे फूफे चाचा के लड़के हैं, हम कह रहे हैं उनको भी नौकरी दो, बट बाकी को कुछ फेयर करो हैं, या बाकी की पोस्टें। आपके पास और कामों के लिए पैसा था क्या? देश में कोई और काम नहीं हो रहा? आप चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए खराब कर रहे हैं, दिल्ली में घुसते ही बोर्ड लगा रहता है केजरीवाल 26,000 करोड़ का हिसाब दो, हजारों बोर्ड दिल्ली में लगे हुए, इसमें पैसा नहीं लगता सरकार का? अबे केजरीवाल तुम्हारा कितना दूर का रिश्तेदार है, उसके घर जाके पूछ लो कि हिसाब दो 26,000 करोड़ का, इस बात को बोर्ड पे लिख के पूछने की जरूरत है? अजीब नौटंकी है तुम्हारी। दिल्ली के अंदर आप घुसेंगे, जब भी घुसेंगे तो हजारों बोर्ड लगे रहते हैं, केजरीवाल हिसाब दो, केजरीवाल तुम्हें हिसाब देगा कि आपको क्या कर रहा है, ये सब हिसाब तुमसे केजरीवाल मांगेगा, और मांगने तो फोन पे मांगो, तुम्हारे पास केजरीवाल का नंबर नहीं है, संसद में मांगो, विधानसभा के सत्र में मांगो, इन सब चीजों में एनसीडी में पैसा लगाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है, हलवा समझ के रखा है, ठीक है। और अब अगर रोजगार पे बात नहीं हुई तो इस देश का युवा गले में बेरोजगार का पट्टा डाल के घूमेगा। जो ये मीडिया सरकार के कहने पे ये दिखा रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। इससे सरकार का ईगो इतना बढ़ चुका है कि आज सरकार खुद को देश से ऊपर समझने लगी है। आप कितने भी आंदोलन कर लो, कितने भी प्रोटेस्ट कर लो, आपकी बात पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। पूछता है भारत, अब युवा पूछता है कि तुम कब हमारी खबर दिखाओगे, अर्णब पूछता है युवा कि तुम कब हमारी खबर दिखाओगे। अगर आज इस देश की सेलिब्रिटी, आज अगर इस देश का न्यूज चैनल आगे बढ़ाए तो वो हमने बढ़ाया है। आज देश का 2.5 करोड़ युवा अगर परेशान है तो इंटू 5 कर लो, 12.5 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं, और उन सबके मोबाइल घर में जब टीवियों में ये चैनल डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हम क्या चीज है। हम नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सबको अनसब्सक्राइब करा देंगे इस युवा और उनकी फैमिली मेंबर्स के मोबाइल से, तब आपको हमारी ताकत के बारे में पता चलेगा। ये तो हमारी प्लानिंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसके बाद अभी क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। ये आंदोलन अभी इस बात पे है कि सरकार को बात करने के लिए विवश करना है कि रोजगार पे बात कब होगी। इस देश के अंदर शिक्षित होने के मायने खत्म हो गए। आप बताइए, बीटेक करके आदमी घूम रहा है, बीटेक के कोई मायने नहीं रहे, एमबीए करके बच्चा घूम रहा है, ये एसएससी या गवर्नमेंट जॉब में आपको मालूम है इतनी भीड़ क्यों आई? क्यों लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट में नौकरियां खत्म हो गई। और मोदी जी कहते हैं कि आप अपने मोहल्ले में नौकरी करो। आप जब मैंने ये वीडियो मोदी जी का देखा तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं जरूर आपको ये सुनाना चाहूंगा, मेरा दिल है कि मैं ये वीडियो आपको सुनाऊं। आप देखें इस वीडियो को, ये हमारे मोदी जी और ये हमारे प्रधानमंत्री की कितनी बेहतरीन सोच है जिसकी कोई हद नहीं। आवाज सुन लीजिए, ये देखिए। हर गांव गली मोहल्ले में रोजगार का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुन सुन पा सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रुकी सुनी रोटी खा सके। ये बताइए, ये मोदी जी को करना है कि माँ बाप के साथ बैठ के रूखी सोटी रोटी खा सके। एक बात बताओ, दिल्ली और गाँव में क्या अंतर रह गया? अगर सब अपने घर के आसपास ही रोजगार करेंगे, क्या मायने हैं इस मतलब के? तब तो फिर सीमा पे भी कोई जवान नहीं जाएगा देश की सुरक्षा के लिए। तब मोदी जी अपना झोला लेके गुजरात से दिल्ली क्यों आ गए थे? ये भी माँ बाप की सेवा करते और वहीं रोटी खाते? आपके को मैं दो ऑप्शन देता हूं कि अपने गांव के आसपास 8,000 की नौकरी करके रूखी सोखी खाना पसंद करोगे, 60,000 की नौकरी के लिए दिल्ली आओगे और एक महीने में घर जाओगे और माँ बाप के लिए भी अच्छे वस्त्र लेके जाओगे। कौन सा ऑप्शन आप सुनोगे?
कि अपने मोहल्ले में नौकरी ढूंढू, क्या नौकरी ढूंढू मोहल्ले के सारे कुत्तों को पकड़ के और शहर छोड़ के आऊं, ये नौकरी ढूंढू गाँव में, बताइए क्या करूं। अजीब बात कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी खत्म हुई थी तो गवर्नमेंट जॉब में आए थे, बीटेक करके पता चला कोई 8,000 की नौकरी देने वाला नहीं है क्योंकि देश में उतनी कंपनियां नहीं।